Hi everyone, today's topic is GDP and welfare. This is a very important topic. Often GDP is taken as an index of social welfare, higher GDP implying higher level of welfare. The question is GDP considered as a good measure of economic welfare or not? Kya GDP rise hone se logon ki welfare rise hoti hai? या नहीं राइज होती है ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है आज तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग अबाउट जीडीपी व्हाट इज जीडीपी जीडीपी मीन टू से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड राइज इन जीडीपी मीन टू से मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वेलफेयर वेलफेयर क्या है मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल वेलफेयर ऑफ द पीपल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ Per head availability of goods and services is more, it means to say more welfare of the people. Agar GDP jo hai, GDP rise hone se, per head capability of goods and services rise hoti hai, it means to say welfare of the people bhi kya ho jayegi? Rise ho jayegi. Toh hum keh sakte hain ki GDP rise hone se, welfare kya ho jayegi? Rise ho jayegi. So iska matlab ye kya show kar raha hai? Positive relationship show kar raha hai. पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है किसका जीडीपी राइज होने से वेलफेयर राइज होती है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है बट ये पॉजिटिव रिलेशनशिप पॉसिबल है कुछ हद तक ओनली इट पॉसिबल ओनली टू द सम एक्सटेंट देयर आर सम लिमिटेशंस व्हिच शोज दैट देयर इज नॉट एनी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड राइज इन जीडीपी तो जीडीपी राइज होने से वेलफेयर राइज नहीं होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ये थ्री या फोर मार्क्स की वेटेज में आपको एक एक इसमें से कोई भी एक या दो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं तो आप इनको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा तो फर्स्ट लिमिटेशन जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जब जीडीपी राइज होगी इट मीन टू से मोर राइज इन इनकम हो गया तो इनकम जो है इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल If distribution of income is unequal, GDP growth fails to reflect or rise in social welfare. Unequal distribution of income means to say, rich are becoming more richer and poor are becoming more poorer. The gap between the richer and the poor is widening. इसके लिए हम एक example देख लेते हैं, जैसे suppose करो 20% of people जो हैं, 20% people जो हैं, या फर्म्स जो है वो इनकम उनको इनकम का शेयर मिल रहा है 80% 80% शेयर ऑफ जीडीपी क्योंकि जब मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी तो ज्यादा इनकम जनरेट होगी तो 20% पीपल अगर 80% इनकम जो है वो लेते हैं इसी तरह से जो 80% लोग हैं पीपल हैं या फर्म्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनको 20% शेयर मिल रहा है शेयर ऑफ जीडीपी या शेयर ऑफ इनकम इसका मतलब ये क्या है बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी है बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी है ये वाले जो लोग हैं ये 80% लोग हैं ज्यादा लोग हैं इनका गुजारा सिर्फ और सिर्फ 20% इनकम से हो रहा है इट मीन टू से इट लेड्स टू स्टार्वेशन एंड हंगर It leads to starvation and hunger. तो हमें क्या शो होगा कि GDP rise तो हो गई है GDP rise होने से हम ये कह सकते हैं कि per head जो कह सकते हैं per capita income है वो rise हुई है But per capita income जो rise हुई है वो तो सिर्फ data में rise हुई है ना इसका मतलब क्या है availability जो है income जो है वो 80% लोग जो हैं सिर्फ 20% इनकम ले रहे हैं इट मीन टू से क्या है स्टार्वेशन हो रही है हंगर हो रही है लोग जो है पीपल आर डाइंग तो हम कैसे कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ने से जो वेलफेयर है वो बढ़ी है तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट नाउ वी आर डूइंग सेकंड पॉइंट दैट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मीन टू से कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं सपोज करो प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड डज नॉट लेड टू डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल अगर सपोज करो जो
वॉर टाइम गुड्स हैं, डिफेंस गुड्स हैं, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो जीडीपी की वैल्यू तो राइज हो जाएगी, लेकिन इससे जो है डायरेक्टली लोगों की सोशल वेलफेयर नहीं होगी, ये क्या है इनडायरेक्टली वेलफेयर करेगी। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर जीडीपी राइज हुई है सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें प्रोड्यूस करने से जो डायरेक्टली लोगों की वेलफेयर राइज नहीं करते हैं, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जीडीपी राइज होने से लोगों की वेलफेयर राइज नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में चेंज आने से, प्राइस में राइज होने से जीडीपी राइज होती है, इसका मतलब ये वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता है। जैसे जो जीडीपी की वैल्यू है वो हम कैसे काउंट कर सकते हैं, जीडीपी की जो वैल्यू होती है वो प्राइस इंटू क्वांटिटी होती है। जीडीपी की वैल्यू कैसे मेजर करते हैं हम, प्राइस इंटू क्वांटिटी। सपोज करो प्राइस जो है वो 10 रुपीज पर यूनिट है और जो हमारे यूनिट्स हैं वो कितने हैं 100, इसका मतलब वैल्यू जीडीपी की कितनी हो गई 1000। अब सपोज करो कि प्राइसेस राइज हो गई हैं, सपोज करो प्राइसेस राइज हो गई हैं, प्राइसेस राइज हो गई हैं 12, 10 से कितनी हो गई हैं 12, एंड जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 100 ही हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली 100 यूनिट्स ही हैं, लेकिन प्राइस जो है वो राइज हो गई है। इससे क्या होगा, जब प्राइस राइज होगी तो जीडीपी की वैल्यू राइज हो गई है, पहले 1000 थी अब कितनी हो गई 1200। मीन टू से जीडीपी की वैल्यू राइज हो गई है, प्राइस राइज होने की वजह से हुई है। इसका मतलब अगर प्राइस राइज हुई है तो हम कैसे कह सकते हैं कि लोगों की वेलफेयर हुई है, प्राइस राइज होने से लोगों की जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी। रियल इनकम कम होने से वो क्या है, उनकी जो पर हेड कैपेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है हमारी कि जो जीडीपी अगर राइज होती है प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, तो इसका मतलब क्या है, इससे लोगों की वेलफेयर नहीं बढ़ी है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस मीन टू से जिन चीजों की वैल्यू हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, इससे जीडीपी की जो वैल्यू है वो भी प्रॉपर काउंट नहीं होती है। लाइक नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या सकते हैं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होते हैं, लाइक डोमेस्टिक सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय हाउसवाइफ। अगर कोई हाउसवाइफ है वो सारा दिन काम करती है तो उसकी वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई टीचर है वो अपने बच्चे को पढ़ाती है तो उसका कंपेयर हम ट्यूशन टीचर के साथ नहीं कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से बार्टर एक्सचेंजेस हैं, अभी भी कुछ इकॉनमी में कुछ बैकवर्ड रीजन्स में अभी भी बार्टर एक्सचेंजेस होते हैं, तो उनकी वैल्यू भी क्या है, काउंट नहीं होती है। तो इट मीन टू से नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में जीडीपी की वैल्यू काउंट नहीं हो रही है प्रॉपर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो वेलफेयर है वो राइज हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नलिटीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज आर द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। मीन टू से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कह सकते हैं एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के लिए कुछ पे नहीं किया जाता और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के लिए कोई पेनल्टी नहीं की जाती, मतलब उनको कोई फाइन नहीं किया जाता। लाइक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कौन सी होती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या हैं, लाइक पब्लिक पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स या कोई गार्डन है या पब्लिक पार्क्स हैं, उनका जो इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। तो इन्वायरमेंट क्लीन होता है इससे तो लोगों की वेलफेयर होती है। लाइक नेबरहुड में किसी पर्सन ने अपना ब्यूटीफुल गार्डन बनाया हुआ है, उस गार्डन का जो सेकंड पर्सन है, जो उसका नेबर है, उसका उसको भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उसकी सराउंडिंग्स जो है, इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो वो वाला नेबर है वो उसको कुछ पे नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को भी हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। इसी तरह से नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मीन टू से जिनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से होते हैं, लाइक स्मोक इमिटेड बाय फैक्ट्रीज दैट कॉजेज एयर पोल्यूशन, स्मोक इमिटेड बाय फैक्ट्रीज दैट कॉज एयर पोल्यूशन, या फिर ऑयल रिफाइनरीज होती हैं जो कि वाटर पोल्यूट करती हैं।
तो उनके लिए भी उनको क्या है, कोई चार्ज नहीं किया जाता, उनको कोई फाइन नहीं किया जाता. तो इसका मतलब क्या है, इन एक्सटर्नलिटीज के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं. तो इनको हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं. तो हम कैसे शो कर सकते हैं कि लोगों की वेलफेयर हुई है या नहीं हुई है? तो जीडीपी में क्या होता है, या तो फिर अंडर एस्टिमेशन हो जाती है या फिर क्या हो जाते हैं, ओवर एस्टिमेशन हो जाती है. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हम कहते हैं कि जीडीपी में राइज हो गया, जीडीपी में राइज हो गया, इट मीन टू से हम बोलते हैं कि वेलफेयर ऑफ द पीपल राइज हो गई है. लेकिन सपोज करो जीडीपी में राइज हुआ 10%, जीडीपी में राइज हुआ 10%, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 15%. जीडीपी में 10% राइज हुआ, लेकिन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें राइज हुआ है 15%. अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से कम है. तो इसका मतलब क्या हुआ, पर हेड कैपेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो ये तो थी सम लिमिटेशंस जो क्या शो करती हैं कि वेलफेयर और जीडीपी राइज में जो इंटरकनेक्शन है वो क्या है, ये दोनों क्या है, अलग अलग टॉपिक्स है. मतलब जरूरी नहीं है कि राइज इन जीडीपी से वेलफेयर हो. तो ये तो था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम माई वीडियो, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.